हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का ऐसा क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फ्रॉम द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5, यानी कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस मतलब जे दिया गया है 0.5। कोफिशियंट ऑफ वेरियंस सीवी भी यहां पे दे रखा है 40%, एंड इट्स मोड इज जेड इज इक्वल टू 80। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको मीन और मीडियन यहां से फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन मेथड से सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जे इज इक्वल टू बार एक्स माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस वैल्यू पर रखते हैं सारी वैल्यू को, 0.5 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड की वैल्यू 80 है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहां पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 80। एक्स को एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, या इसको उधर ले जाइए, 80 को उधर लेते आइए। देखिए 80 डिवाइड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, देखिए सीवी दे रखा है, यहां पे सीवी दे रखा है, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो जब वैल्यू पे रखेंगे, देखिए ये 40 दिया गया है जो सीवी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं पता है, मीन भी हमको नहीं पता है, इंटू 100। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 40x इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो किसी भी इक्वेशन में एक ही नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन कभी चेंज नहीं होता है, तो इस पूरे इक्वेशन में हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू जो आएगी 0.4x बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब भाई इक्वेशन हमको बनाना है, तो 0.4x बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा बन गया। अब क्या करना है हमको, देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए किसी एक को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का मतलब या तो 0.5 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करें और या तो फिर 0.4 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करें। तो हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स बार इसके बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक में से हम दो वाले को घटा देंगे या दो में से एक को हम घटा देंगे। तो देखिए सब इसमें करेंगे 0.4 से मल्टीप्लाई, देखिए 32 इज इक्वल टू 0.4x बार माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 का तो यह आएगी वैल्यू 0.2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन हमारा है 0 इज इक्वल टू 0.4x बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब माइनस करेंगे, देखिए सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया 32 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां 0.2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहां केवल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वैल्यू यहां पे आ जाएगी, देखिए प्लस वाला ज्यादा तो प्लस का सिंबल लगेगा, यानी ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन या 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो जो फिगर हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 0.8। अब इसी को हम करेंगे सॉल्व तो वैल्यू हमारे पास आएगी 40, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 40। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को चाहे हम इस पे रखें चाहे इस पे रखें, मीन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को हम इस सेकंड इक्वेशन पे रखेंगे, सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम, 0.4 एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0,
तो 0.4 एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू कितनी आई, 40 आई है, 0। अब देखिए 0.4 एक्स बार इज इक्वल टू प्लस 40 हो जाएगा इधर आएगा, तो अब एक्स बार इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.4, तो यहां पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 100। तो ये मीन की वैल्यू आ गई 100। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या था हमें, मीन एंड मीडियन। अब मीन एंड मीडियन पूछा था, लेकिन हमको स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए फाइंड करना पड़ा, जब तक स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं फाइंड करते तब तक ये वैल्यू हमारे पास नहीं आ पाती। तो अब मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का ही, जे इज इक्वल टू 3x̅ m, मतलब मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास देखिए सारी वैल्यू यहां पे है, बस हमको करना क्या है कि इसमें मीडियन को कर देना है फाइंड। तो सारी वैल्यू को हम रखेंगे, सारी वैल्यू को रखने का मतलब कैसे, देते क्वेश्चन में आपको 0.5 जे दिया गया था, 3x बार की वैल्यू पता चल गई कितनी है 100 माइनस m डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको पता है 40। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए 0.5 इंटू 40 इज इक्वल टू 300 माइनस 3m। तो यहां पे देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, और ये देखिए 300 माइनस 3m। अब इस क्या करेंगे, हम 20 को इधर लाएंगे इसको उधर ले जाएंगे, तो 3m इज इक्वल टू 300 माइनस 20। अब इधर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 3m इज इक्वल टू 280, तो m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3। अब इसी को करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 93.33। ये था मीडियन, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मीन एंड मीडियन। तो मीन तो हमारा आ गया था 100 और मीडियन आया है 93.33। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।